बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौमी भैया आपकी खिदमत में हाजिर है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आज के दिन के हवाले से कि आज का दिन जो है वो कितना मुबारक हुआ कि आज हमारे नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 4-स्टार जनरल सैयद आसम मुनीर, तो ये जनाब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का ओहदा संभाल चुके और हमारे लिए ये बड़ी खुशआइन बात है और हम दिल की गहराइयों से इनको खुश आमदीद कहते हैं कि आपका जो सरबराह है उसमें ये काबिलियत होनी चाहिए कि उसके पीछे आप नमाज पढ़ सकें। तो ये पहली बार हमें ये एहसास हासिल हुआ। तो जनाब, हम उम्मीद करते हैं कि ये इसी तरीके से अपने पेशा वाराना जो इनकी सलाहियतें हैं उसी को मद्देनज़र रखते हुए, पहले ये ऑलरेडी कमांड कर चुके हैं DGISI और 30 कोर कमांडर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि उनकी कमांड एंड कंट्रोल एक्यूरेट होने के साथ साथ एग्जेम्पलरी रही और यही वजह है कि पहली बार मेरिट के ऊपर पहले ही नंबर पे जो टॉप पे बंदा मेरिट लिस्ट पे आ रहा है उसी को प्रमोट कर दिया गया। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है और हम एक बार फिर उनको खुश आमदीद कहते हुए ये उम्मीद करते हैं कि अल्लाह उनको कामयाबी और कामरानी अदा करे और उनके लिए राहें हम बार करता चला जाए, क्योंकि उनसे इस मुल्क को जो कि बहुत ही कंजस्टेड और बड़े अजीब व गरीब हालात में गिरा हुआ है, तो अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि इसको अपनी टगर के ऊपर वो चलाने में कामयाब हो। तो हम जनाब 22 करोड़ अवाम और हम सारे व्यूअर की तरफ से हम जनाब नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 4-स्टार जनाब जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को खुश आमदीद कहते हुए सैल्यूट पेश करते हैं जनाब।